ये नाटक का रहस्य भगवान ने तो पकड़ लिया, बाकी सब यूं यूं गदर करते हुए बैठे हैं। उठ जाओ, भगवान वैराग्य लेकर के बाहर चले गए। बाहर क्यों चले गए? अरे तट तो समझ में आ गया, अभी तक तट समझ में नहीं आया था। 12 भावनाओं के चिंतन के बिना आप बाहर नहीं निकल सकोगे। राजा राणा छत्रपति कर रहे कह रहे हैं और ऊपर छत है क्या नहीं ये देख रहे हैं। ये 12 भावना नहीं है, 16 कार भावना में तो चल जाएगा। असंयम के साथ तो वह प्रकृति बन सकती है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद यदि हुआ है तो वह आपको ऐसा नहीं कहेगा तुम बाहर चलो, वह नहीं कहेगा। उसके द्वारा जगत कल्याण भी हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाए, निश्चित बात है। लेकिन आप समझो यह रहस्य है, इसलिए प्रत्येक महापुरुष तीर्थंकर जहां कहीं भी है वह घर से बाहर निकलने के उपरांत ही बुद्धि सही सही काम करती है, नहीं है तो ये मेरा और ये तेरा तीर्थंकर को भी नहीं छूटता है, ध्यान रखो। किंतु ऐसे भी आज स्वाध्यायशील मानते हैं अपने आप को, लेकिन इस सूत्र को वो समझ नहीं सके। अभी भगवान से प्रार्थना करता हूं सबको ये बात समझ में आ जाए, लेकिन सर्वप्रथम तीर्थंकरों को आ जाए समझ में, तो उसके साथ साथ हजारों व्यक्तियों का भी कल्याण हो। लेकिन अभी वो बाहर निकल ही नहीं रहे, हाँ अभी वो बाहर निकल ही नहीं रहे, और इंद्र ने कोशिश की, अभी ऐसे नहीं निकल सकते। कैसे निकलेंगे? वह स्वयं नहीं, ये निमित्त बोलते हैं इसको, और उस निमित्त में क्या है? यह प्रत्येक बुद्ध में आता है, स्वयं बुद्ध में नहीं आता। कुछ लोगों को इशारा देना पड़ता है, कुछ लोगों को सारा दे दे पूरा तो भी नहीं होता, और कुछ लोगों के सामने इशारा की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे भगवान होते जो स्वयं बुद्ध कहलाते हैं, और ये प्रत्येक बुद्ध में आ गए, ये स्वयं बुद्ध में नहीं आते। इस प्रकार के एक ग्रेड में कौन कौन पास होता है ये छुपाए।